सोफरे से हमने ड्रोन उड़ा के रखा है, दौड़ा ड्रोन मंगवा के रखा है, वो भी उसका भी वीडियो बना के रखा है, और एरोप्लेन को हवा में भी उड़ाया है, वो भी वीडियो बना के रखा है। लेकिन जो ये हमारे पास एरोप्लेन है उसको जो है पानी में तैरा के नहीं देखा है। मतलब अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये मतलब पानी में तैरेगा कि नहीं तैरेगा, या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन था। तो हमने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जो है उसको एक तालाब में, मतलब थोड़ा छोटा मोटा तालाब था, उसमें मतलब तैरा के दिखाया है, मतलब आउटडोर में। तो चलिए हम चलते हैं आउटडोर में और दिखाते हैं वहाँ पे मतलब ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, मतलब तैरा था, डूब गया था, क्या हुआ था, चलिए दिखाते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है। सो यहाँ पे हमारा जो एयरप्लेन वो तैर रहा है, थोड़ा ज्यादा मतलब जा रहा है, देखते हैं आगे तक क्या होता है। So, यहाँ पे हमने एयरप्लेन को उल्टा करने के बाद मतलब मस्त जैसा जा रहा है, वो एक बोट की तरह ही वो तैर रहा है। आप देख पा रहे हो कि मस्त जैसा जा रहा है, आगे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। So, friends, बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलो किधर गया, नहीं बार बार सो बहुत मेहनत किया है लड़के ने, आप देख पा रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत ही उड़ाने के बाद अभी यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे शायद तो रो हाउस बनने वाले हैं, ये रो हाउस वाले का ऑफिस लग रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा तालाब जैसा बन गया है, तो यहाँ पे उड़ा के मतलब तैरा के देखते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा मतलब पानी कम था, तो मेरे हिसाब से अच्छे से नहीं हो रहा था, यहाँ पे अच्छे से हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, एरोप्लेन रेडी है, चार्ज भी ऑब्वियसली हमें लग रहा है अच्छा है। ओके, तो चलिए ट्राई करते हैं और मजे लेते हैं। ओके, यहाँ पे डाल दिया। ओके, रेंज छूट रहा है। ओके, यहाँ पे सीधा है तो रेंज छूट जा रहा है। तो अभी हम जो है एरोप्लेन को उल्टा करने वाले हैं, पता नहीं इसमें रेंज क्यों छूट रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे छोटा सा टावर इसका है, पतला सा, लेकिन उल्टा करने पर तो अच्छे से फ्लाई होना चाहिए था, सॉरी तैरना चाहिए था। ओके, नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमारे साथ प्लान फ्लॉप हो रहा है कि एरोप्लेन जो है वो नहीं, थोड़ा सा तैरने के बाद जो इसका जो रिमोट के साथ जो कंट्रोल्स होते हैं वो चले जाते हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ये नहीं चल रहा है, वापस इसको बंद किया हमने और फिर से चालू किया और कैलिब्रेशन किया, तो तब जो है ये थोड़ा सा जैसा तैरता है, उसके बाद नहीं तैर रहा। बाकी वाटरप्रूफ तो है, आप बिना झिझक पानी में उड़ा सकते हैं। एक पॉपुलर है क्या कि है, दोनों पॉपुलर है। एक बार लास्ट बार लगा के देखते हैं, इतना जैसा जाता है उसके बाद बंद हो जा रहा है। तो उससे अच्छा तो वो नहर में अच्छे से तैर रहा था, पता नहीं पानी में जाके इसको क्या होगा। तो चालू हो और डाल दिया हमने, जैसे ही पानी में गिरा बंद हो गए। हमारे यहाँ पे रिमोट हम कर रहे हैं लेकिन जो है पानी में नहीं जा रहा है। सो पहले हमने थोड़ा डस्ट वाले पानी में इसको तैरा के देखा था, लेकिन अब जो है छोटे से तालाब जा, वहाँ पे जो है मतलब पानी एकदम क्लीन था, वहाँ पे उसको मतलब ये वहाँ पे जो है उसको तैरा है तो मस्त जैसा जा रहा है, और वो टावर का भी कोई भी इशू नहीं आ रहा है।
सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अभी मस्त जैसा तैर रहा है, मतलब मजा आ रहा है, एक बोट का मजा हमें दे रहा था उतना अच्छे से नहीं, लेकिन अच्छा मजा तो हमें दे दिया है। सो फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब लाल बटन दिख रहा होगा उसको कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है इस वीडियो में। यहाँ पे एक बेल जैसा था, वहाँ पे जो है हमारा एयरप्लेन अटक गया था, मतलब पता नहीं वहाँ से नीचे से कुछ लग गया था तो वहाँ से वो अटक गया और हमें उसको सडनली मतलब पत्थर थोड़ा आजू बाजू मार के जो है उसको निकाला था। मतलब आप देख पा रहे हो कि अभी उसको 3-4 पत्थर मारे आजू बाजू में, उसके बाद जो है वो बाहर निकला है। ये सब मतलब अलग से ट्रिक्स करने पर बहुत मजे आते हैं यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मतलब वीडियोस के लिए, मतलब मजा आ रहा है।